सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एस एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद। आज भी हम लोग एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के ही टॉपिक से, यानी कि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन से ही हमारा ये आज का भी विषय संबद्ध है, टॉपिक संबद्ध है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। इस पर बात करेंगे, हिंदी में संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। बहुत पूछा जाता है इस पर, शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके रोज़मर्रा के पढ़ने पढ़ाने में भी इसका कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन है और अक्सर हम लोग इसको इसके सही अर्थों में नहीं समझते। तो शुरू करते हैं। फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन मीन्स संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहले मूल्यांकन, व्हाट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामिन्स अ प्रोग्राम। मतलब कि मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जो किसी भी कार्यक्रम को एक क्रिटिकली एग्जामिन करती है, मतलब हम उसकी आलोचनात्मक दृष्टि से उसकी जांच करते हैं। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या आता है? कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, हमको संग्रहण करना है और विश्लेषण करना है सूचनाओं का। अबाउट ए प्रोग्राम्स एक्टिविटीज, मतलब उस प्रोग्राम में, उस कार्यक्रम में कौन सी क्रियाविधियाँ चल रही हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या आउटकम निकल कर आ रहे हैं। इट्स पर्पस इज टू मेक जजमेंट अबाउट ए प्रोग्राम टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। देखिए, ध्यान देने की बात है कि हमको जजमेंट तो देना है किसी प्रोग्राम के लिए, लेकिन हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि उसकी इफेक्टिवनेस को हम इम्प्रूव कर सके। इम्प्रोवाइजेशन की तरफ इसका गोल है। एंड और टू इन्फॉर्म प्रोग्रामिंग डिसीजंस, ये पैटर्न की 1987 की डेफिनेशन है और स्टिल वेरी रेलेवेंट है। देन एक और सिंपल डेफिनेशन हम लोग कोट कर सकते हैं यहाँ पे कि इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमैटिक एंड इंटेंशनल प्रोसेस। मतलब हमने ऐसे ही नहीं कर दिया बल्कि इंटेंशन के साथ किया है, हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, मोटिव है कि हम जांच करेंगे। ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू इन्फॉर्म लर्निंग डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, यानी कि हमको गैदर करना है, इकट्ठा करना है, एनालाइज यानी विश्लेषण करना है डेटा को, ताकि हम लर्निंग डिसीजन मेकिंग और एक्शन को इन्फॉर्म कर सकें। ओके, तो ये इवेल्युएशन है मोटा मोटा हमारा। मूल्यांकन ये हुआ। तो मूल्यांकन के अगर हम टाइप्स, कई हम उसके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पर जो मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन है वो है कि इवेल्युएशन इज ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन। तो वन बाय वन लीड करते हैं, डील करते हैं। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से शुरू करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट, देखिए वैसे असेसमेंट और इवेल्युएशन में अंतर है, पर यहाँ कहीं असेसमेंट कहीं इवेल्युएशन यूज हो रहा है तो आप उसको एक ही संदर्भ में जानेंगे, यहाँ पर उसका दो अर्थ नहीं है। Then, formative assessment is to monitor student learning to provide ongoing feedback that can be used by instructors to improve their teaching and by students to improve their learning. देखिए बहुत खास बात, जब हम लोग जनरली जब मतलब सरसरी तौर पर पढ़ते हैं तो हम सुपरफिशियल लेवल पे इतना जानते हैं कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है वो बार बार होता है और समेटिव इवेल्युएशन साल के अंत में होता है। जनरली अगर हमने उसको डीप स्टडी नहीं की है, बाद ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो हम मोटा मोटा यही जानते हैं कि फॉर्मेटिव मतलब रिपीटेटिव एंड समेटिव मीन्स एट द एंड, जबकि ऐसा नहीं है। फॉर्मेटिव में जो नाम ही इसका क्या है, संरचनात्मक, इसका मतलब ये संरचना में सुधार कर सकता है। संरचना में सुधार कर सकता है, किसकी संरचना सुधारनी है? कोर्स, करिकुलम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेथडोलॉजीज, स्ट्रैटेजीज। तो हम क्या करेंगे कि हम आपका असेसमेंट करेंगे, उसके बाद जो ऑनगोइंग फीडबैक, जो फीडबैक मिला कि आपने अच्छा किया, बुरा किया, कहीं कमी थी, कहीं अच्छा नहीं था, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो हम उसको टू वे प्रोसेस है, मतलब इंस्ट्रक्टर के लिए भी फ्रूटफुल है और स्टूडेंट के लिए भी। इंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि अगर वाकई पूरे क्लास में सबने बहुत बुरा परफॉर्म किया, इसका मतलब कि कहीं पढ़ाने में ही कमी रह गई, कोई ऐसी क्लिष्टता है जो बच्चों को समझ में नहीं आई है, तो इंस्ट्रक्टर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग, जो टीचर है वो तो अपनी टीचिंग इम्प्रूव करेगा और स्टूडेंट क्या करेंगे, अपनी लर्निंग इम्प्रूव करेंगे। मतलब उन्हें लगेगा कि अगर उन्होंने बहुत खराब परफॉर्म किया है तो वो अगली बार उससे बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड टारगेट एरियाज दैट नीड वर्क, यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन ये भी करता है कि वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो आइडेंटिफाई कर पाएं कि क्या उनके प्लस पॉइंट्स है, क्या माइनस पॉइंट्स, और कौन से वो एरियाज हैं जहां बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जहां उनको बहुत सुधार करने की जरूरत है, जो पक्ष उनका कमजोर है। एंड इट हेल्प्स फैकल्टी रिकॉग्नाइज वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। देखिए, चूंकि थोड़ा सा हमको पढ़ाना है, फिर हमको असेसमेंट करना है, थोड़ा सा पढ़ाना है, फिर इवैल्यूएशन करना है, तो चूंकि ये क्विक प्रोसेस होता है, इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है, इसलिए हमको तुरंत हमको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सब बच्चे फेस कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी फेस कर रहे हैं, तो हम उसको तुरंत रिकॉग्नाइज करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट रिफर्स टू टूल्स दैट आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन, स्ट्रगल्स एंड लर्निंग गैप्स अलॉन्ग द वे एंड असेस हाउ टू क्लोज दोज गैप्स, हाउ टू फिल दोज गैप्स, है ना। यानी कि इससे हमको पता चल जाएगा
कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां मिसकंसेप्शन हो गया, समझने में गड़बड़ी हो गई, परेशानी हो रही है, कुछ लर्निंग गैप आ रहा है हमारे पढ़ाने और आपके पढ़ने में, तो हम उन गैप्स को डायग्नोज कर लेंगे और उसके बाद उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे. फॉर्मेटिव असेसमेंट अलाउज टीचर्स टू इवेलुएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन रियल टाइम एंड ऑल्सो इम्प्रूव द कोर्स कंटेंट एंड डिलीवरी. देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोर्स कंटेंट तक को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, करिकुलम को सुधार सकते हैं इन अकॉर्डिंग्स टू स्टूडेंट्स नीड, इन अकॉर्डिंग्स टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन लेवल अगर वो फेल हो रहा है. तो कई बार फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को कोर्स करिकुलम निर्माण के लिए भी प्रयोग किया जाता है कि हमको कोई कोर्स लॉन्च करना है तो हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे उस कोर्स को, फिर आपका इवैल्यूएशन करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे फिर इवैल्यूएशन करेंगे और बार बार फीडबैक के हिसाब से उस कोर्स में उस तरह से चेंज करके एकदम सटीक बना देंगे, टेलर्ड नीड्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, है ना. इट मेक्स इट ईजियर फॉर टीचर्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ए कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो ये ईजी हो जाता है, इट मेक्स इट ईजियर फॉर टीचर्स टू ट्रैक द पीछे से जाओ. इट मेक्स इट ईजियर फॉर टीचर्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ए कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, है ना. तो क्या होगा कि ये टीचर के लिए जो है तो ईजियर हो जाता है कि हम उस परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें जो कि किसी कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चलाई जा रही है. फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुण क्या है, इट इवेलुएट्स द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्नर्स प्रोग्रेस एट द सेम टाइम. देखिए खास बातें इसकी, लर्निंग प्रोसेस को भी इवेलुएट करता है और लर्नर की प्रोग्रेस को भी इवेलुएट करता है, दो चीज़ों को साथ साथ इवेलुएट कर रहा है, मूल्यांकन दोनों का चल रहा है, जो आपकी अधिगम प्रक्रिया है और जो लर्नर की अधिगम की गति है. फिर इट इज़ कोलैबोरेटिव, समूह में है, क्यों कोलैबोरेशन से चल रहा है, क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट की प्रोग्रेस को भी मेजर कर रहा है और इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड को भी मेजर कर रहा है, यानी कि जो फीडबैक है वो टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट को पता चलेगा कि वो कहाँ लैक कर रहा है, कहाँ कमी है, उसको पूरा करने की कोशिश करेगा और टीचर को पता चलेगा कि कहाँ स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं और वो टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी में चेंज कर सकता है या करना चाहिए. एंड सच असेसमेंट्स आर इंटरवोवन विद द ऑनगोइंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. इस तरीके के मूल्यांकन क्या है, जो हमारी ऑनगोइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के संग एकदम मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं. हमने थोड़ा पढ़ाया फिर आपका टेस्ट लिया, थोड़ा पढ़ाया फिर आपका टेस्ट लिया, इस तरह से. इट इज़ ए फ्लूइड मेथड ऑफ इवेल्यूएशन, क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है. एंड द एम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू गैदर एक्शनेबल फीडबैक. मतलब हमको ये नहीं कि फीडबैक लिया और फिर हम बैठ गए, नहीं, हमको उस फीडबैक पे काम करना है, एक्शन करना है. क्यों, क्योंकि फीडबैक से जो समझ में आएगा उस हिसाब से हम अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे, फ्यूचर प्लान हमारा अकॉर्डिंग टू फीडबैक बनेगा. दैट इंप्रूव्स ओवरऑल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. ओके, एंड इट इज अ डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ इवेल्युएशन, क्यों, क्योंकि हम डायग्नोज करना चाह रहे हैं, पहचान करना चाह रहे हैं वो एरियाज, वो लर्निंग गैप्स जो कि आ रहे हैं स्टूडेंट के मार्ग में. ओके, देन समेटिव इवेल्युएशन, योगात्मक, ये क्या चीज़ है. देखिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को हम मान सकते हैं कि न्यू ट्रेंड इन इवेल्युएशन है, जबकि समेटिव इवेल्युएशन क्या है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इवेल्युएशन. जब हम बचपन में थे और पहले चले आ रहा था क्या कि सिर्फ एक वार्षिक एग्जामिनेशन होगा, एक एंड एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, या बीच में एक हाफ ईयरली होता था हद से हद और एक एनुअल होता था, और एनुअल एग्जामिनेशन होल सोल तय करता था कि क्या होना है, हम पास होंगे, फेल होंगे, हमको प्रमोट किया जाएगा या हम टॉप करेंगे, वॉट एवर, है ना. तो इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इवेल्युएशन, ये पारंपरिक प्रक्रिया है मूल्यांकन की, वे आर द टीचर मेजर्स द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस यूजिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क. यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क है जिसके अगेंस्ट हमको आपकी परफॉर्मेंस को जज मेजर करना है, जबकि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में कोई स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क नहीं है. फिर समेटिव इवेल्युएशन क्या है, इट इज डन एट द एंड ऑफ द कोर्स और इंस्ट्रक्शनल यूनिट एंड फोकसेस ऑन द प्रोग्राम्स आउटकम्स. हम प्रोग्राम आउटकम प्रोग्राम पढ़ाने से लॉन्च करने से पहले बना लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट विल बी एबल टू डू दिस एंड दैट. तो उस प्रोग्राम आउटकम को ये कोर्स पूरा कर पाया कि नहीं, इसको जज करता है क्या, समेटिव इवेल्युएशन. एंड द गोल ऑफ समेटिव असेसमेंट इज टू इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड और बेंचमार्क. ये ऊपर वाली लाइन से मिलता जुलता है. देन इट ओनली डायरेक्टली मॉनिटर्स स्टूडेंट्स एबिलिटी. देखिए यहाँ पे जब हम समेटिव इवेल्युएशन करते हैं, जब आपका एंड ऑफ द एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम सिर्फ आपकी योग्यता को जज करते हैं, नापते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आपको उसमें दिक्कत आ रही है, कमी आ रही है, सुधारात्मक नहीं है ये सिर्फ सिर्फ आपको डायरेक्शनल है. हम सिर्फ आपको ग्रेड देंगे, नंबर देंगे, अंक देंगे, हम कोई सुधार यहाँ नहीं करते. सुधारात्मक क्या है, फॉर्मेटिव सुधारात्मक है. तो इट ओनली डायरेक्टली मॉनिटर्स स्टूडेंट्स एबिलिटी बट डज नॉट पे अटेंशन टू
हाउ दी स्टूडेंट यूजेज नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये इसका काम नहीं है. और समेटिव असेसमेंट मेथड्स आर हाई स्टेक्स, मतलब इनकी वैल्यू फॉर्मेटिव से ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम आपको ग्रेड देते हैं और आपको एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट करते हैं, जबकि फॉर्मेटिव में हमने पढ़ाया, फिर क्विज ले ली, हमने पढ़ाया, फिर कोई पोल ले लिया और उससे एक आइडिया लिया कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए. ये फॉर्मेटिव का कंसेप्ट है. देन द रिजल्ट आर यूजली डिफाइनिंग. क्यों डिफाइनिंग है? इट कैन डिटरमाइन, ये सुनिश्चित करता है कि वेदर अ स्टूडेंट पासिस द कोर्स, कि एक बच्चा कोर्स पास कर लेगा या उसका प्रमोशन हो जाएगा अगर प्रोमोटिव एग्जामिनेशन है, कोई एम्प्लॉई दे रहा है समेटिव इवैल्यूएशन, या अगर हम एडमिशन प्रोसेस के लिए समेटिव इवैल्यूएशन ले रहे हैं तो आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये डिफाइन करेगा. तो इसलिए हाई स्टेक है क्योंकि ये डिफाइनिंग है, ये ग्रेडेड है, जबकि फॉर्मेटिव ऐसा नहीं है. और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समेटिव की जो कि फॉर्मेटिव की नहीं है, जैसे ये वैलिड है. क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोग्राम को जज करता है, स्पेसिफिक कोर्स के एंड में होता है तो उसी को नापेगा ना. हमने जो पढ़ाया नहीं है उस पर नहीं पूछ सकते हैं ना. जब कहा जाता है ना कभी कभी कि ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गया तो फिर उसको रिवाइज किया जाता है, कि नहीं नहीं ये पहले से पता है कि जो पढ़ाया जाना है वही पूछा जाना है, इसलिए ये वैलिड है. अगर हम चूंकि स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क के अगेंस्ट ले रहे हैं तो अगर सिमिलर कंडीशन में सिमिलर कंटेक्स्ट में लेंगे तो ये बार बार सिमिलर रिजल्ट देगा, इसलिए रिलायबल भी है, प्रैक्टिकल है, इथिकल है, क्योंकि कई बार कंसेंट फॉर्म आपसे भरवाया जाता है. देन इजीली रिपोर्टेड है, मतलब हम बता सकते हैं कि आप पास हैं, फेल हैं, या आपको बैक लगेगी कि आप प्रमोशन की स्टेज में हैं या आपने एकदम टॉप कर लिया है, तो इजीली रिपोर्टेड है. एंड वैरायटी ऑफ वेज में आप इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए वैरायटी फुल वेरीड भी है. देन अक्सर पूछा जाता है आपसे कि संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के बीच का अंतर बताइए. बहुत सारे अंतर हैं, अभी हमने सिर्फ कुछ लिखे हैं, लेकिन आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत अंतर आप खुद ही समझ सकते हैं. कि समेटिव असेसमेंट क्या है? इज अ टाइप ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम. व्हाइल फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग रियल टाइम फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स ड्यूरिंग द कोर्स. ड्यूरिंग द कोर्स जो इवैल्यूएशन चल रहा है वो फॉर्मेटिव है, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जो चल रहा है वो समेटिव है. देन फॉर्मेटिव असेसमेंट डज नॉट मेजर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस अगेंस्ट ए बेंचमार्क. फॉर्मेटिव में हम बेंचमार्क के अगेंस्ट आपको जज नहीं करते, इसलिए ये नॉन ग्रेडेड होता है, जबकि समेटिव इवैल्यूएशन को एक बेंचमार्क के अगेंस्ट जज किया जाता है, इसलिए ग्रेडेड होता है, यानी कि यहाँ पे आपको ग्रेड देंगे. फॉर्मेटिव में ग्रेड नहीं भी देंगे, दे भी सकते हैं पर नहीं भी दे सकते हैं, मतलब नहीं देना ज़्यादा यूजुअल है. देन एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन आर दी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, जो साल के अंत में, कोर्स के अंत में, प्रोग्राम के अंत में, इंस्ट्रक्शनल यूनिट के अंत में लिए जाते हैं, वो एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन समेटिव है. व्हाइल क्विजेस, पोल्स, ये सब ले लिया, कुछ पढ़ाया आपसे क्विज करा ली, कुछ पढ़ाया आपसे पोल ले लिया, एक करा लिया कि कितने बच्चे इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, या अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, या कितने बच्चों को कौन सी चीज़ों में परेशानी आ रही है, किन टॉपिक में दिक्कत आ रही है, वो सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आएगा. देन कुछ एडवांटेजेस भी हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के. क्यों? क्या है ये? इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, है ना. हमको ऑपरेंट कंडीशनिंग में पता है कि अगर हमको इमीडिएट फीडबैक मिलता है तो हमारी लर्निंग जो है स्ट्रेंथन होती है, तो यहाँ पे मिल रहा है हमको इंस्टेंट फीडबैक. देम एज दे लर्न, बाय इवैल्यूएटिंग देम एज दे लर्न, तो इंस्टेंट फीडबैक समेटिव में नहीं है. देन एडवांटेज फॉर्मेटिव का क्या हो सकता है? इट अलाउज फॉर चेंजेस एंड मॉडिफिकेशंस टू द टीचिंग प्रोसेस एज द लर्निंग प्रोग्रेसेस. जैसे जैसे लर्निंग हो रही है वैसे वैसे टीचिंग प्रोसेस को हम कैसे चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देता है. देन इट सपोर्ट्स पर्सनल लर्निंग. क्यों? क्योंकि हमने आपका टेस्ट लिया, आपका फीडबैक के हिसाब से आपको फिर से इंस्ट्रक्शन देंगे ना, तो टेलर्ड हो गया यहाँ पे एकदम अकॉर्डिंग टू योर नीड, इसलिए पर्सनलाइज्ड है. एंड इट आल्सो बूस्ट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड मेक्स देम एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन मॉनिटरिंग देयर ओन प्रोग्रेस. हमने आपसे टेस्ट लिया, आपको आंसर शीट दिखा दी और बता दिया कि ये कमी है, इसको सुधार करिए और फिर अगला करिए, तो आप एक्टिवली इन्वॉल्व भी रहेंगे क्योंकि आप खुद देख रहे हैं अपनी प्रोग्रेस की, ग्राफ आपका गिर रहा है, चढ़ रहा है, किस तरह से जा रहा है. फिर कुछ फायदे समेटिव इवैल्यूएशन के भी हैं, जैसे इट मोटिवेट्स द स्टूडेंट टू लर्न एंड पे अटेंशन इन क्लास. क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एट द एंड ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन जो कि समेटिव इवैल्यूएशन है हम कर रहे हैं, उसी से ये तय होगा कि हम पास होंगे, फेल होंगे, नेक्स्ट हमको क्लास में प्रमोट होंगे या नहीं होंगे. देन इसलिए आप मोटिवेट होते हैं, अटेंशन पे करते हैं क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है. इट इज ग्रेडेड, चूंकि यहाँ पे हमको ग्रेड मिलता है इसलिए हमको बूस्ट अप होते हैं कि हमको पढ़ना है, अच्छे से करना है, सबसे बढ़िया ग्रेड लाना है. देन दीज आर डिजाइंड टू प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स व्हेन अप्लाइड इन सिमिलर कंटेक्स्ट. चूंकि ये उस तरह से बनाए जाते हैं कि अगर हमको सिमिलर कंटेक्स्ट में इनको अप्लाई किया जाएगा तो सिमिलर रिजल्ट हमको मिलेगा. ओके, सो अ क्विक रिव्यू. इवेल्युएशन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन टू टाइप्स, फॉर्मेटिव एंड समेटिव. फॉर्मेटिव क्या है?
ऑनगोइंग प्रोसेस है, फीडबैक की यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है, इमीडिएट फीडबैक, और ये फीडबैक के हिसाब से स्टूडेंट को अपनी लर्निंग सुधारनी है, टीचर को अपनी टीचिंग सुधारनी है. जबकि समेटिव क्या है, एट द एंड ऑफ द कोर्स है, और यहाँ पे ये ग्रेडेड एक्टिविटी है अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क है, और इसका जो गोल है वो आपको तय करना है, डिफाइनिंग है. ये हाई स्टेक है, जबकि फॉर्मेटिव लो स्टेक है और ये डिफाइनिंग नहीं है. फॉर्मेटिव जो है वो न्यू ट्रेंड इन इवोल्यूशन है, जबकि समेटिव क्या है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन. बस इतना ही है. सो थैंक यू ऑल, एंड आई होप दैट यू पीपल विल नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन इन ए होलिस्टिक वे. ओके, इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. डन.